إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم معطر ناظم اجلاس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام حفاظ کرام علاقے کے باوقار احباب خرد منین ڈسٹرکٹ صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنوں دو روزہ پروگرام کا آج یہ دوسرا دن ہے اور آج آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا اب تک مختلف علماء سے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر آپ نے تقاریر سماعت فرمائی اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت ہمارے ملک میں جو رسہ کشی چل رہی ہے جو کھینچ تان چل رہی ہے اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں کہ دعوت اس طریقے پر نہیں دی جس طریقے سے دینا چاہیے تھا ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے یہ ثابت نہیں کیا وہ مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام بھی وہی ہے اصل میں ہم نے جو اسلام ان کے سامنے پیش کیا ہے اس اسلام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک نیا دین ہے نیا مذہب ہے اور یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے اس سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں جب ان کے دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اس لیے وہ ہمیں پریشان بھی کریں گے اور اسلام کا مذاق بھی اڑائیں گے جس دن ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی
कि दर हकीकत हम इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि हम उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं जो धर्म ईसा का भी था, जो धर्म मूसा का भी था, जो मजहब नूह का भी था, जो मजहब आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का धर्म और मजहब वही था, बल्कि यही धर्म जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं यह था। जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी, मेरे भाइयों, मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और फिर वो इसकी इज्जत करेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कभी हमने तसव्वुर किया है? आज हमारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि मस्जिदों से वो लोग कहां चले गए जो हमें अगली सफ में खड़े हो जाने की वजह से पीछे कर दिया करते थे और भगा दिया करते थे, चलो चलो चलो। रमजान में मस्जिदों का यही हाल था ना, रोजेदार लोग आते थे, बच्चों को आगे खड़ा हुआ देखते थे, ए चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो, उनको पीछे कर दिया जाता था। ईद के दिन के बाद से वो बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहां गए मस्जिदों से, जब हम अगली सब में खड़े हो जाते थे तो वो हमें कान पकड़कर हाथ पकड़कर पीछे खड़ा कर दिया करते थे और हमें मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ रहा है कि बेटा वो दिन अब वो लोग अब तुम्हें सिर्फ जुमे को मिलेंगे, जुमे के अलावा किसी और दिन अब वो लोग नजर नहीं आएंगे जो तुम्हें कान पकड़कर और हाथ पकड़कर पीछे कर दिया करते थे। अब तुम ही हमारी इन मस्जिदों की लाज बचाओ, तुम ही अगले सब पे खड़े होकर कम से कम पहली सब तो पूरी कर दो। आज हमें उनको ये जवाब देना पड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद तकरीबन 5 लाख, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की तादाद तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की तादाद मेरे प्यारे साथियों अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए तो तकरीबन 5 से 6 लाख, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उलमा की मुसलमानों की तादाद तकरीबन 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में। आपने अंदाजा लगाया? मस्जिदें 5 लाख, मदरसे 3 लाख, उलमा तकरीबन 50 लाख, और हमारी तादाद 25 से 30 करोड़। लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%, ये 98% मुसलमान कहां है? रमजान में ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा सा आगे हो जाता है 5%, ईद और बकरीद की नमाज में यह परसेंटेज थोड़ा सा बढ़कर 10 और 15 से 20% पहुंच जाता है। 80% मुसलमान फिर भी मस्जिदों से दूर है। जरा आप अंदाजा लगाइए, हमें यह दिन देखना क्यों आप हवा खड़ा कर रहे हो? क्यों आज हमें परेशानी हो रही है? क्यों आज हमें दिक्कत हो रही है? हमारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितना चल रहा है, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चीजें कितनी ज्यादा अपलोड की जा रही हैं, बता रहे हैं हालात का। हमने बताने की कोशिश की, शरा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक, ये दीन सबका है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, मैंने इसी दीन को हजरत नूह को देकर भेजा था। नूह के बाद इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को भी यही दीन देकर भेजा है। ये वही दीन है जो आपसे पहले इब्राहिम लेकर गए, आपसे पहले मूसा और ईसा भी लेकर आए, आपसे पहले नूह को भी दिया गया। इसीलिए कुरान ने यह नहीं कहा आओ इस कुरान की तरफ, बल्कि कुरान ने ऐलान किया, कुल या अहलल किताबी
تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए यहूदो नसारा, आए किताब वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ। देखिए कुरान ने क्या कहा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह ने क्या कहा, अय ईसाइयों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, अय यहूदियों आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारा बराबर है, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। देखिए कलमे की बुनियाद पर सारे मजाहिब एक हैं, हर मजहब का कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा का भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे के पहले जुज में कोई तब्दीली नहीं हुई, तब्दीली कलमे के दूसरे जुज में हुई, वो भी उस हिसाब से जिस कौम के अंदर जो नबी गया उसका नाम लिया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कलमा अदा किया तो क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी कलमे का पहला जुज अपनी जगह पर है, पहला जुज नहीं बदला गया, दूसरा जुज नबी के हिसाब से बदलता गया, पैगंबर के हिसाब से बदलता गया। कुरान ने कहा आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अगर आज हमने इन लोगों को ये बताया होता कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक ही है तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ते। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की है। हमने अपने हिसाब से दीन को चलाने की कोशिश की, हर चीज को हमने अपनी अकल की कसौटी पर परख कर खुद फैसला करना शुरू कर दिया कि ये जायज है ये नाजायज है। दुनिया इल्म के हुसूल का जरिया दो चीजों को मानती है, हवासे खमसा और दूसरी चीज अक्ल। लेकिन हम मुसलमान इल्म के हुसूल का जरिया तीन चीजों को मानते हैं, हवासे खमसा, अक्ल और सिलसिले वही। फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज से ज्यादा आवाज आ रही है भाई, स्टेज पर आवाजें नहीं आए। इल्म किन चीजों से हासिल होता है, हवासे खमसा, आंख, नाक, कान, जबान और हाथ। ये माइक है, ये क्या है हमें नहीं मालूम था, आंख से देखा तो पता चला ये माइक है। आंख ने देखकर इल्म हासिल किया है कि ये क्या है, माइक। कुछ चीजें आंख से भी पता नहीं चलती, ये फल बिक रहा है, ये अच्छा है या बुरा, ताजा है या सड़ गया है, तो आप उसको उठाएंगे और उसको सूंघ कर देखेंगे। घर में खाना जब सुबह से लेकर शाम तक रखा रहे और सुबह का खाना जब शाम को खाने की तैयारी होती है तो पहले उसको सूंघती है घर की औरतें कि देखें ये अभी सही है या बुस गया है, खराब हो गया है, तो उसको सूंघ कर देखती हैं। तो सूंघने के जरिए पता चल जाता है कि ये खाना अभी सही है
या ख़राब हो गया है, खाने के लायक है या सड़ गया है। तो इल्म का हासिल करने का दूसरा ज़रिया क्या है? नाक। आँख से पता चल गया ये क्या चीज़ है, नाक से पता चल गया कि ये चीज़ खाने के लायक है या नहीं। एक चीज़ है हुसूल इल्म के लिए ज़रिया कान, हमें पता नहीं ये क्या है, नहीं जानते, पहली बार देखा, किसी से पूछा कि ये क्या है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है भाई आप लोगों? भाई पूरे साल मैंने झारखंड छोड़ दिया है और आइंदा भी हम झारखंड आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम तंग आ चुके हैं आप लोगों से, कसम खा रखी है कि हम नहीं आएंगे झारखंड, छोड़ दिया हमने, फिर भी आप लोगों को सब्र नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, बड़ी मुश्किल से 6 साल से पीछे पड़े थे शफीक साहब, और मेरे मुंह से निकल गया अच्छा कराना है जलसा तो करा लो मई में। मुझे मालूम था कि मई में कराएंगे नहीं, बारिश का मौसम है, उन्होंने कह दिया ठीक है मई में भी करा लेंगे, तो जबान दे दी थी इसलिए आ गया, वरना मैं आता नहीं। मैंने छोड़ दिया है सिर्फ इन्हीं आदतों की वजह से। इस जलसे के लिए भी मुझसे कहा गया था कि हम आपको 10 बजे टाइम दे देंगे, लेकिन 1 बजे के टाइम दिया जा रहा है। हमें मालूम है कि कितनी वादा खिलाफी होती है और क्या होता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया बिहार, बंगाल, बिहार और झारखंड, मुझे और मजबूर मत कीजिए। इसलिए मुझे बंगाल के जलसे अच्छे लगते हैं, स्टेज पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तीसरा नहीं रहता है। मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे, जबान से निकल गया था ठीक है मई में करा लो, और तैयार हो गई कमेटी की ठीक है करा ले, इसलिए मैं आया हूं, जबान दे दी थी तो चलो रखना पड़ेगी। अब बताइए कि 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है, पाकुड़ से पकड़ना है, 3 घंटे का सफर है, हमें बहुत थोड़ी देर बोलना है, उसमें भी आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो पहली चीज हुसूल इल्म के लिए क्या है? आप पता चल गया, मैं सूंघ के पता चल गया कि ये क्या चीज है, अच्छी है बुरी। हमने कभी माइक को नहीं देखा, पहली बार मेरे सामने आ गए, ये माइक है, ये कैमरा लगा है, पहली बार हमने देखा, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या है। तो हमने किसी से पूछा भाई ये क्या है, उसने कहा ये कैमरा है। मेरे कान ने सुना कैमरा, फोटो लिया जाता है, तो कान इस कैमरे के इल्म का जरिया बना, यानी कान से सुनकर इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, ये क्या है साहब, पहली बार देख रहा हूं, ये माइक है। अब मेरे कान ने माइक सुना तो सुनकर हमें इल्म हासिल हुआ कि ये क्या है, माइक है। एक चीज होती है जबान, जिससे इल्म हासिल होता है, ये चीनी है, हमने कभी नहीं खाई है, कैसी है हमें इसका इल्म नहीं है। जब जबान पर रखा और चखा और टेस्ट किया, तब जबान ने बता दिया कि ये मीठी है। नमक का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये नमकीन है। मिर्च का जब टेस्ट किया तो उसने बता दिया कि ये तीखी है। तो जब पता चला तो इल्म के हुसूल का चौथा जरिया क्या है? जबान। आंखों से हम अंधे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने छू के देख लिया, हाँ ये है, ये तार लगे हैं, हेलो हेलो, हाँ माइक है। तो हाथ से छूने के बाद हमें पता चला कि ये क्या है, माइक है। आंखों से अंधे हैं, नहीं देखा कभी माइक, अब छू के देख रहे हैं माइक। तो हाथ भी इल्म के हुसूल का एक जरिया है, इल्म इन चीजों से हासिल होता है। समझ गए ना आप, बहुत कीमती बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। इल्म के हुसूल का एक जरिया और है, और वो है अक्ल, वो है अक्ल। ये माइक हमने देखा, ये इल्म हासिल हो गया कि ये माइक है, लेकिन इस माइक को देखने के बाद मेरी अकल में एक और इल्म आ गया है, वो इल्म ये आ गया है कि ये माइक, ये उसमें लगा हुआ रोल डंडा, और ये उसमें लगे हुए तार, और उसमें आने वाली तेज आवाज, ये जिसने भी बनाया है, बहरहाल इसका कोई बनाने वाला है, बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आया। हमारी अकल ने हमें एक इल्म ये दे दिया है कि ये मोबाइल, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है। हमने जमीन देखी तो यकीन हो गया, हमारी अकल ने बताया है कि इस जमीन का बनाने वाला भी कोई है। हमने आसमान पर नजर डाली
यकीन हुआ, अकल ने बावर कराया, इस आसमान का बनाने वाला भी कोई है। हमारी नजर चांद पे पड़ी, सूरज पे पड़ी, सितारों पे पड़ी, सैयारों पे पड़ी। इन लोगों को दे, इन चीजों को देखकर हमारी अकल ने गवाही दी है। इस बात का इल्म हमें हासिल हो गया है कि जब एक मामूली सी सुई और एक मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो जमीन और आसमान, चांद सितारे और सूरज और सैयारे भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकते। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, दुनिया ने हुसूल इल्म को इन्हीं दोनों चीजों में बांटा है। इसीलिए देख लीजिए दुनिया में अब ये कानून बन रहा है, अकल जो चीज को जायज माने वो जायज है, और अकल जिस चीज को नाजायज माने वो नाजायज है। समझ रहे हैं ना? अमेरिका के अंदर एक कानून पास हुआ, बर्तानिया के अंदर बाकायदा तालियां बजी वहां की असेंबली में, वहां के कोर्ट में, वहां के पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया बर्तानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हम जिंस परस्ती जायज है। हम जिंस परस्ती यानी लड़कों का लड़कों के साथ निकाह करना और लड़कियों का लड़कियों के साथ शादी करना, इस बिल को पास किया गया, और इस बिल को बर्तानिया में तालियों के साथ इसको पास किया गया, और वहां के मर्द और औरतों ने तालियां बजाकर इस बिल को पास कराया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़के के साथ रहना चाहता है तो अकल कहती है इसमें कोई बुराई नहीं, उन दोनों की मर्जी है, वो रह सकते हैं। अगर लड़की लड़की के साथ रहना चाहे तो अकल कहती है कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इंटरफियर मत करो, मुदाखलत मत करो। अगर लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अकल के हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है। ये बिल तालियों में पास हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हुसूल इल्म का जरिया आंख है, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, लेकिन माफ कीजिएगा, आंख का एक दायरा होता है देखने का, कान का एक दायरा होता है सुनने का। मेरे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं ये आंख देख रही है, लेकिन मेरे पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे कितने लोग हैं और कितना बड़ा खेत है, उस खेत के अंदर कौन सी चीज बोई गई है, ये मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। आंख के देखने का एक दायरा है। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां सुनाई दे रही है आप तक, लेकिन मेरे बोलने की आवाज इस वक्त बन नहीं जा रही है। आपके कान यहां बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग साहिबगंज में हैं, जो लोग पाकुड़ में हैं, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। यानी कान के सुनने की एक ताकत है, वो मुश्किल से 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक की आवाज सुन सकता है, लेकिन इटावा में कौन चीख रहा है, लखनऊ में कौन बोल रहा है, उसकी आवाज आप लोग नहीं सुन सकते। और मैं यहां जो बोल रहा हूं बगैर आले के, अब मोबाइल पे मत कहिए हम यहां से हेलो कहते हैं, यहां से बैठे बैठे हेलो कहोगे तो अमेरिका भी सुन लेगा। हम बगैर आले के, माइक भी बंद कर दो और चिल्लाएं तो हमारी आवाज अभी मंडरो तक भी नहीं जाएगी, हमारी आवाज अभी आपके साहिबगंज तक भी नहीं जाएगी, पीरपैंती तक नहीं जाएगी। आपके कान में उतनी ताकत नहीं है, आपकी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि 1-2 किलोमीटर से दूर की कोई चीज देख सके। इसी तरीके से आपकी अकल पर भी, अकल का भी एक दायरा है। हर चीज को आप अपनी अकल से सोचेंगे, हर चीज को अगर आप अकल की कसौटी पर रखेंगे, तो मेरे भाइयों जरूरी नहीं कि आपकी अकल सही जवाब दे, आपकी अकल सही जवाब दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अकल का भी एक दायरा होता है। और जहां अकल सोचने का काम खत्म कर देती है, वहां इल्म के हुसूल का तीसरा जरिया है वही इलाही। कोई आदमी ये ना कहे कि यार इस्लाम ने ये हुक्म कैसे दे दिया, मेरी अकल में नहीं आ रहा है। मसलन इस्लाम का एक उसूल है, जिना लड़का और लड़की के दरमियान हुआ है, सुनिए बड़े गौर से,
तो कुरान क्या कहता है, चार गवाह पेश करो। अगर किसी ने किसी को जिना करते हुए देखा है तो चार गवाह पेश करो। कुरान ने क्या कहा, चार गवाह। और अगर चार गवाह पेश नहीं कर सके तो तुम झूठे माने जाओगे, अगरचे तुमने सही देखा है लेकिन फिर भी झूठे माने जाओगे। कितने गवाह मांगे हैं कुरान ने, चार। लेकिन कत्ल के लिए कितने गवाह मांगे हैं, दो। अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी को मारा है, तो उसके लिए दो गवाही चाहिए, दो लोगों की। वो ये कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है, जबकि अकल कहती है कि कत्ल ज्यादा बड़ा गुनाह है जिना उसके बाद। जिना और कत्ल में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, कत्ल। और कत्ल के बाद नंबर आता है जिना का। तो अकल ये कहती है कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए और जिना के लिए कम गवाह होना चाहिए। लेकिन यहां उल्टी बात है, कत्ल के लिए दो गवाह चाहिए और जिना के लिए चार गवाह चाहिए। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारी अकल में नहीं, रीजन क्या है पता नहीं चल रहा है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। अरे जब तुम्हारी अकल ने काम करना बंद कर दिया तभी तो ये वही उतरी है, तभी तो ये बताया गया है कि चार गवाह कत्ल के लिए चाहिए और कत्ल के लिए दो गवाह और जिना के लिए चार गवाह चाहिए। अब रीजन तलाश मत करो क्योंकि तुम्हारी अकल का दायरा इतना वसी नहीं कि तुम इसको समझ सको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया बस उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दो। तुम अकल पर उतना जोर मत दो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कुरान ने, ऐसा क्यों कहा अल्लाह ने, तो आप समझ लो कि आप यहां बैठे बैठे इटावा की चीज देखने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी आंख की ताकत नहीं है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हो जो आपके दायरे अकल में नहीं आई है। बहुत गौर से सुन लीजिए मेरी बात। अकल का भी एक दायरा होता है। हर चीज को अकल की कसौटी पर रखकर जायज और नाजायज का फतवा आप नहीं दे सकते कि तूने ऐसा क्यों हो गया है। हर आदमी की अकल अपने हिसाब से चल भी नहीं सकती। चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा, एक आदमी की अकल कुछ और कहती है और दूसरे आदमी की अकल कुछ और कहती है, फिर दुनिया में निजाम चल ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया के निजाम को चलाना है तो वही इलाही के जरिए, कुरान और हदीस के उसूल के जरिए। क्योंकि जब हमारी अकल काम करना बंद कर देती है तो वहां तीसरा दरवाजा इल्म के हुसूल का खुलता है, वही। नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो बस्तियां ऐसी हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में अभी सिर्फ इन दोनों दो बस्तियों पर ही एटम बम बरसाए गए हैं, मालूम है ना। अमेरिका ने हिरोशिमा पर और नागासाकी पर एटम बम बरसाए, सिर्फ इन दो बस्तियों पर। और एटम बम बरसाने के बाद जिन बस्तियों में ये एटम बम बरसाए गए, आज भी उन बस्तियों के अंदर लंगड़ी लूली और अपाहिज औलाद पैदा हो रही है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यह कहता है अमेरिका को एटम बम नहीं बरसाना चाहिए था, इतने खतरनाक हथियार नहीं बरसाने चाहिए थे, इसने नस्लों के पर नस्लें जो पैदा हो रही है वो लंगड़ी और लूली और अपाहिज औलादें आज भी पैदा हो रही है। ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के सिलसिले में यह कहता है, लेकिन अमेरिका यह कहता है कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर अगर बम न बरसाए होते तो कम से कम 1 करोड़ आदमी मारा जाता। मैंने ये बम बरसाकर 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया। क्योंकि अगर हम ये बम नहीं बरसाते तो इतनी बड़ी जंग होती, इतनी बड़ी लड़ाई होती और ये लड़ाई दुनिया के कई खित्तों में फैलती, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे जाते। उन 1 करोड़ लोगों को हमने बचाया, 2 बम बरसा दिए, उन बम बरसाने से 1 लाख आदमी गया, लेकिन हमने 1 करोड़ लोगों को मरने से बचा लिया। मेरे भाइयों, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहा है, ये अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया अपनी अकल से बोल रही है, अमेरिका अपनी अकल से बोल रहा है। अगर हर इंसान को अपनी अपनी अकल के मुताबिक चलने की इजाजत दे दी जाए तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, दुनिया का निजाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अकल परस्त हैं और अपनी अकलों को सबसे बुलंद तसव्वुर करते हैं, जो ये कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है,
लड़का लड़के के साथ रहे और लड़की लड़की के साथ रहे, अगर वो पर्सनल जिंदगी में ऐसा रहना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि इसमें बुराई क्या है। अक्ल कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अक्ली तौर पर कोई बुराई नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो अक्ल को उसके दायरे से बड़ा दर्जा दिए बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में और शादी करने में बुराई क्या है? मुझे जवाब दें। जो तीसरा हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, वही इलाही को हुसूल इल्म का जरिया नहीं मानते, जो अक्ल ही को सब कुछ तसव्वुर करते हैं, वो मुझे बताएं कि बहन से और बेटी से निकाह करने में बुराई क्या है। बल्कि अगर अक्ल के एतबार से सोचा जाए तो अक्ल तो ये कहती है कि एक बहन के साथ भाई का रिश्ता करना और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं अपनी बहन के मिजाज को जानता हूं, मेरी बहन मेरे मिजाज को जानती है, वो क्या पसंद करती है मैं जानता हूं, मैं क्या पसंद करता हूं वो जानती है, वो हमें कपड़े धुलने में झिझक महसूस नहीं करती है, खाना खिलाने में और पकाने में दिक्कत महसूस नहीं करती है। हम उसके साथ अगर शादी कर लें या निकाह कर लें तो हमारी जिंदगी तो और अच्छी गुजर सकती है। ये कौन सी अकलमंदी है कि हमने अपनी बहन के मिजाज को समझा और खूबसूरत है मेरी बहन, बेहतरीन है, अच्छे सलीके वाली है, नाज़ो नखरे में पली हुई है, मेरा बाप विरासत में बहुत सा माल छोड़ के गया है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता हूं, लेकिन ये कहां की अकलमंदी है कि अपने घर की दौलत को हम दूसरे के घर में ब्याह दें और अपनी बहन को हम दूसरे लड़के के साथ शादी करा दें। जो हमारी बहन के मिजाज को समझता नहीं है, या अपनी बेटी को हम दूसरे अपने घर की दौलत को दूसरे को दे दें, ये कहां की अकलमंदी है। अकल तो कहती है कि अपनी बेटी और बहन के तुम ज्यादा मुस्तहिक हो, लेकिन इसको ना बर्तानिया सही मानता है, ना अमेरिका सही मानता है, ना हिंदुस्तान सही मानता है, कोई सही नहीं मानता। क्या कहना ही नहीं, नहीं। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये समाजी बहुत बुराई है। एक बहन को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो, एक बेटी को तुम निकाह में कैसे रख सकते हो? मैं कहना चाहता हूं, समाज की दुहाई क्यों दे रहे हो, अब तक चला आ रहा है इसकी दुहाई क्यों दे रहे हो? मुझे अकल के हिसाब से बताओगे क्या बुराई है। शादी के बाद मेरी बहन को उधर भी बच्चे पैदा करना है, अगर मेरे घर में रहेगी तो बच्चे इधर भी पैदा होंगे, मेरी बेटी को उधर भी मां बनना है और बच्चे पैदा करना है, वो मेरे घर में रहेगी तो इधर भी बच्चे पैदा कर सकती है, तो मेरे भाइयों अकली तौर पर क्या बुराई है? मैं समझता हूं कि अकली तौर पर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप समाज की दुहाई देते हो कि ये चीज गलत है। एक बहन के साथ रिश्ता, आज बहन के साथ शादी करने को इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि समाज इसको बुरा जानता है, समाज इसको बुरा जानता है, इसलिए हम भी बुरा जान रहे हैं। लेकिन अगर अकल के एतबार से देखा जाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें यहां वही ने बताया है, हमें यहाँ जिब्राइल ने बताया है, हमें कुरान ने बताया है, हमें अल्लाह के हुक्म ने बताया है कि बहन के साथ रिश्ता करने में और बेटी के साथ रिश्ता करने में क्या बुराइयाँ हैं और क्या नुकसानात हैं। यहाँ हम अपनी अकल को दखल नहीं दे सकते हैं, बल्कि यहाँ इल्म के हुसूल का एक तीसरा जरिया है वही इलाही। अकल से उतना ही काम लो जो उसके दायरे में हो, उससे ज्यादा काम मत लो। शरीयत के अंदर